मंचासीन भाई वैद्य महोदय, श्री खेखरे महोदय, नीरज जैन और अलका जी, सभागार में उपस्थित उत्साही छात्रगण वन सामान्य सम्मानित अतिथि, आज की ये प्रस्तुति मैं विवेकवाद के इन तीन उद्घोषकों डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर, कॉम्रेड पांसरे और डॉक्टर कुलबर्गी के नाम समर्पित करना चाहूँगा। यूं तो हमारे संविधान में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का दायित्व एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है राज्य का, पर वो मात्र केवल स्टेट तक सीमित नहीं रह सकता, उसमें हम सब को भाग लेना पड़ेगा। और अगर इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए जो लोग क्रियारत रहते हैं उनका हश्र ऐसा होगा तो देश का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं। आज का विषय जो मैंने चुना, मिथक साहित्य और इतिहास, खास इसलिए चुना क्योंकि एक व्यावसायिक रूप से इतिहासज्ञ होने के साथ साथ मुझे जिस प्रकार के प्रशिक्षण का मौका मिला और जिन विषयों को पढ़ाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसमें भारतीय धर्मों का इतिहास एक बहुत प्रमुख अंग रहा है। और इसी की वजह से मुझे इन तीन अंगों को, मिथक, साहित्य और इतिहास के जो अंतर संबंध रहे उनको समझने और समझाने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। ये मैं बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि धर्मों का इतिहास जिस तरह से हमने विकसित करने की कोशिश की दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में, उसमें शुद्ध रूप से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखा गया, न कि वह दृष्टिकोण जो कि शायद धर्म के ठेकेदारों को मान्य होता, थियोलॉजियंस को मान्य होता, पुरोहितों को मान्य होता, मौलवियों को मान्य होता। धर्म का विकास किस तरह से हुआ सदियों दर सदियों, उसको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर देखने की कोशिश की गई। अभी जिक्र किया नीरज जी ने, ICHR के अध्यक्ष के बारे में कि वो किस प्रकार महाभारत और रामायण को इतिहास मानते हैं।
और कुछ और लोगों ने भी चर्चा की पिछले 1.5 साल की, खास तौर से जब से वर्तमान सरकार क्रियाशील हुई। पर हमको ये याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है कि बात केवल पिछले 1.5 साल की नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है। उस मानसिकता को हमको समझना होगा। जब मोदी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ तो सरकार की तरफ से तो जिस किस्म के समारोह हुए वो हम सब जानते हैं, पर जैसे आपके यहाँ लोकायत है और ये सत्यशोधक सांस्कृतिक मंच है, उसी तरह से एक संस्था अनहद भी है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं उसके जन्म से ही उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने का अवलोकन करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए अनहद ने विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को बुलाकर अलग अलग विषयों पर चर्चाएं कराई और उनको वीडियो फिल्मिंग करके सीडीज के रूप में कुछ महीने पहले जनता को समर्पित किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हम ही में से एक व्यक्ति ने कहा कि जब चुनाव हो रहे थे, पिछले आम चुनाव हो रहे थे, तब बहुत लोगों को आशाएं थी मोदी जी से और बह गए लोग उनकी वाक्पटुता में, पर हम शुरू से ही आतंकित थे और हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की जनता को समझाने की कि क्या वजह है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि मोदी जी सरकार में आए। तो एक प्रेस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जब सारा देश उनकी तरफ झुक रहा था तब आपको ऐसा क्या लग रहा था कि जो आप उनके इलेक्ट होने से पहले ही आशंकित थे। जवाब दिया गया उसका ये कहकर कि बात केवल एक मोदी की नहीं है, हम लोग जानते हैं, हमने आरएसएस को देखा है, उसको देखा है उसके जन्म से, उसके सिद्धांतों को देखा है, उसकी कार्य प्रणाली को परखा है। जब जब जहां जहां उनके पद पड़ते गए वहां वहां क्या हुआ उनसे हम अच्छी तरह परिचित हैं और इसीलिए ये जो अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, ये चुनाव के दौरान उन्होंने खुद स्वीकार भी किया। और याद करिए कि जो एक लिबरल मुखौटा था कुछ साल पहले वाजपेयी जी का, उन्होंने भी अमेरिका में जाके अपने को सबसे पहले स्वयंसेवक बताया था। तो हम जानते हैं कि आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपने को तो कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी नहीं इनसे। तो पूरी जो ये एक मानसिकता है और जो इस किस्म की विचारधारा से कटिबद्ध है, वो जब जब उनको मौका मिलता है तब तब वो यही कुछ करते रहे, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, वाजपेयी जी के दौरान एक लिबरल मौखटे के बावजूद,
मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या किया वो नीरज जी ने अभी संकेत दिया उसका। और भी राज्यों में हम देख रहे हैं कि जहां जहां ये सरकार बनी है वहां वहां वही सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में आप भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं और देश को भी चिंतित होना चाहिए। जिस ICHR के अध्यक्ष की चर्चा नीरज जी ने की कि वो महाभारत और रामायण को इतिहास मानते हैं, अपना कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? कार्यभार संभालने के 2-3 महीनों के अंदर उन्होंने आमंत्रित किया प्रोफेसर SN बाल गंगाधर को, जो डायरेक्टर थे कंपैरेटिव साइंसेज ऑफ कल्चर सेंटर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट बेल्जियम में, और उनको आमंत्रित किया 7वां मौलाना अबुल कलाम आजाद मेमोरियल लेक्चर देने के लिए। ये बात है नवंबर 2014 की, जो विषय था उसका शीर्षक है What do Indians need? A history or the past? A challenge or two to Indian historians? उनके पूरे लेक्चर का सार जो था वो यही था कि जब आपके पास रामायण और महाभारत हैं, ये महाकाव्य आपके पास हैं, तो आपको इतिहास की जरूरत क्या है? हिस्ट्री इज अ फेटिश, ये एक जड़ पूजा है, क्या जरूरत है इस शास्त्र की? महाभारत और रामायण पढ़ लीजिए, उससे हिंदुस्तान के पास्ट का आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकेंगे। हम ये ना भूलें कि ये वही बाल गंगाधर तिलक वही बाल गंगाधर हैं ये, जिन्होंने ये लेक्चर देने के 2-3 बाद ही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में भी सदारत की। अब आप सोचिए कि ICHR के चेयरमैन को सारे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला मौलाना आजाद लेक्चर देने के लिए, और बाहर से उनको बुलाया जिनकी कटिबद्धता बहुत स्पष्ट थी। मैं चाहूंगा कि विषय के को जरा स्थापित करने के लिए 2-3 मिथक, जिनको मैं मिथक समझता हूं, पढ़ते समय उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है वो बाद में चर्चा करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा मैं एक ऐसे मिथक से जिसको हम पढ़ते हैं एक ऐसे ग्रंथ में जिसकी काव्यात्मकता में मुझे किसी किस्म का कोई मुझे डाउट नहीं है कि वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना है, काव्यात्मक रचना है। मैं जिक्र कर रहा हूं ऋग्वेद का, और हम ये भी जानते हैं कि किस प्रकार यूनेस्को ने ऋग्वेद को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है, तो उसके महत्व से किसी तरह का इनकार नहीं किया जा सकता एक साहित्यिक रचना के रूप में, बावजूद इसके कि वो सदियों तक मौखिक रूप में प्रसारित होता रहा। जिस मिथक का मैं जिक्र कर रहा हूं वह है इंद्र और वृत्र का संघर्ष।
इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है। मैं इस चर्चा में फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा कि वो किनका देवता है। हर दृष्टि से वो एक देवता है, और अगर ऋग्वेद में उल्लिखित सूक्तों की गणना की जाए तो लगभग 25% सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। उस दृष्टि से भी ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो ऋग्वेद से संबंधित जो लोग रहे, जिन लोगों की चर्चा उसमें है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की चर्चा उसमें है, तथाकथित आर्य भी हैं, अनार्य भी हैं, तो उन सब लोगों के बीच में जो ये देवता उभर रहे हैं, इंद्र सबसे ज्यादा प्रमुख देवता है उस टेक्स्ट के। उनका संघर्ष होता है वृत्र से, जिनको एक किस्म से ड्रैगन बता दिया गया है, और इस संघर्ष का विवरण अनेकानेक सूक्तों में है। क्रमवार नहीं है, पर अलग अलग उल्लेखों को अगर हम जोड़ें तो एक अच्छा सा चित्र उभर के आता है दोनों के संघर्ष का। और इस संघर्ष में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि कभी कभी इंद्र को भी पीठ दिखा के भागना पड़ा। मजे की बात यह है कि जहां एक ओर इंद्र को पूजने वाले लोग थे, वहां उसी टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि उसकी खिल्ली उड़ाने वाले लोग भी थे। आज तो देवी देवताओं की खिल्ली उड़ा दी, ये तो यही होता है, आ बैल मुझे मार। पर इंद्र की खिल्ली खूब जम के उड़ाई गई, और इस संघर्ष के संदर्भ में भी यह कहा गया कि तुम उससे लड़ते लड़ते 99 नदियों को पार करते हुए पीछे क्यों हट गए। और अंत में इंद्र वृत्र को धोखे से मार देते हैं, और ऐसा पढ़ते हैं हम कि उसको मार कर एक जलाशय को फ्री कर दिया गया। ये ऋग्वेद में यही इंद्र वृत्र संघर्ष आगे भी जो आने वाले टेक्स्ट हैं, महाभारत, पुराण और पूर्व मध्य युग में बहुत से तांत्रिक ग्रंथ, इन सब में इस संघर्ष का किसी न किसी रूप में चित्रण किया गया, पर मुख्तलिफ तरीकों से। महाभारत में हम पढ़ते हैं कि वृत्र जो है कोई ब्राह्मण बन गया, और इंद्र पे धब्बा लग गया ब्रह्म हत्या का। अब इंद्र पे ब्रह्म हत्या का धब्बा लगे, वो इंद्र जो कि ऋग्वेद में सबसे ऊपर था, वो ऋग्वेद जहां पर पुरुष सूक्त छोड़कर ब्राह्मणों का कोई जिक्र नहीं है, पर महाभारत में इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और पढ़ने को मिलता है पुराणों में कि वो इस दोष की वजह से इधर उधर भागता रहा। पुराणों में इंद्र का क्या हश्र हुआ इसके डिटेल में भी मैं जाना नहीं चाहता। अहिल्या के साथ क्या हुआ, मैं नए वीडियो की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो अहिल्या पे चल रहा है, पर वो भी एक तरीका है मिथक को समझने का, ये हम दिमाग में रख लें। तांत्रिक टेक्स्ट में जब हम आते हैं तो एक विचित्र चीज पढ़ने को मिलती है इसी मिथक के बारे में, कि इंद्र पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा
और उसको ग्लानी महसूस हो रही थी इस बात से, तो वो कुछ महिलाओं के पास पहुंचा और कहा उनसे कि आप मेरे ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार कर लें तो आप जो कहेंगी मैं आपको वरदान दे दूंगा। उन महिलाओं ने उसके उस दोष का एक तिहाई हिस्सा अपने सिर ले लिया और वरदान में मांगा कि हमको संतानोत्पत्ति की शक्ति दीजिए। तो इन तांत्रिक ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि इंद्र ने ये वरदान दिया उनको और उस वरदान के फलस्वरूप महिलाओं का जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो उन्हें भोगने को मिली। पर मजे की बात यह है कि यहां तांत्रिक ग्रंथों में मासिक धर्म में रक्तस्राव जो है वो पोल्यूशन का एलिमेंट नहीं है, उसको प्योरिटी का दर्जा दिया गया है, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपको उन ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलेगी जो कि तांत्रिक टेक्स्ट में देखने को मिलती है। एक और मिथक का मैं जिक्र करता हूं, यह है स्कंद पुराण से, जिसमें काशी खंड एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तारीख की दृष्टि से इसको आमतौर पर 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच में रखा जाता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है। ये कथा इस बात से संबंधित है कि वो काशी जिसे आज हम शिव की नगरी मानकर चलते हैं, वो शिव की नगरी बनी कैसे? तो कथा कुछ इस प्रकार पढ़ने को मिलती है कि एक लंबा अकाल पड़ा 60 वर्षों का, और जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सामाजिक व्यवस्था बिखर गई, किसी किस्म का शासन नहीं रह गया। तो देवता पहुंचे ब्रह्मा के पास कि इसका क्या हल निकाला जाए। ब्रह्मा ने कहा केवल एक ही व्यक्ति है जो कि इसको संभाल सकता है, और वो एक बहुत बड़ा ऋषि है, रिपुंजय। मैं आपकी तरफ से उनसे अनुरोध करता हूं कि वो स्थिति को संभाले। रिपुंजय ने कहा कि मैं एक शर्त पर संभालूंगा ये जिम्मेवारी, और वो शर्त ये है कि आप सारे देवी देवताओं को यहां से बाहर निकाल दें। आज किसकी हिम्मत होगी ये कहने की? कह दिया, हो गया, रिपुंजय शासक बन गया, देवोदास उसने अपना नाम रखा और सारी स्थिति पूरी तरह से संभाल ली, बावजूद इसके कि विभिन्न देवता अपनी तरफ से तरह तरह के षड्यंत्र करते रहे। अग्नि ने अपना काम छोड़ दिया ताकि घरों में चूल्हा न जल सके, वायु ने अपना काम बंद कर दिया ताकि लोगों का जीवन दुष्कर हो जाए, इंद्र ने अपना काम जो इंद्र का वर्षा से संबंध बताया जाता है वो बंद कर दिया। बॉटम लाइन यही है कि सबने अपनी तरफ से षड्यंत्र करके ये कोशिश की कि रिपुंजय अलायस देवोदास सफल न हो, पर हो गया, देवदास ने सबको संभाल लिया। पर देवता भी कहां आसानी से मानने वाले थे, कार्यरत रहे, तरह तरह लोगों को भेजा गया, छोटे छोटे लोकल हीरोज को
शिव के गणों को भेजा, अप्सराओं को भेजा, किसी तरह से देवदास को पथभ्रष्ट किया जा सके, बात नहीं बनी। फिर विष्णु खुद आते हैं और क्या करके आते हैं, एक स्ट्रैटेजम बना के वो आते हैं बौद्ध बन के, अपना नाम रखते हैं पुण्य कीर्ति, और गरुड़ उनके शिष्य बन जाते हैं और श्री लक्ष्मी विज्ञान कौमुदी के नाम से उनके साथ आती हैं और तीनों मिलकर बुद्ध की शिक्षा का प्रसार करते हैं। अब यहां देखिए कि कोशिश क्या है, ध्येय क्या है, मैकेनिज्म क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या। बुद्ध की शिक्षा यह है जातिवाद का विरोध। तो कोशिश ये की गई कि जो कि ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था थी, वर्णाश्रम धर्म, वो भ्रष्ट हो। वो भ्रष्ट होगा तो देवदास की जो लोकप्रियता है वो घटेगी। तो जहां हम ये मानकर चलते हैं कभी कभी कि बुद्ध विष्णु के अवतारों में गिने जाते हैं, तो अवतार किस रूप में उनको बनाया जाता है, टू प्ले द रोल ऑफ अ विलन। अभी नीरज जी ने बात करी सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की, तो अवतारों की श्रेणी में वो नीचे हैं, पहले 10 अवतारों में नहीं है। वैसे अवतारों की गणना अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक है, वो अलग बात है, पर जिस रूप में स्कंद पुराण में उभर कर आते हैं काशी खंड में, कि इस मैकेनिज्म से वो देवदास को असफल बना देते हैं और फिर शिव जो आते हैं वो पार्वती के साथ लौटकर काशी में स्थापित हो जाते हैं। तो आज हम काशी को शिव की नगरी, विश्वनाथ की नगरी मानते हैं। इसी तरह से महाभारत के संदर्भ में मैं समझता हूं बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, जनमेजय का नाग यज्ञ, वो एक ओकेजन था महाभारत की कथा के उच्चारण का। और पढ़ने को यही मिलता है कि जनमेजय जिसके पिता को एक तक्षक नाम के नाग ने डस लिया था, उसका बदला लेने के लिए जनमेजय ने यज्ञ किया, और यज्ञ के विवरण में हम पढ़ते हैं कि दूर दूर से नाग हवाई रास्ते से आ रहे हैं, हवा में उड़ के आ रहे हैं और यज्ञ की वेदी में गिर रहे हैं और खत्म हो जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको तीन मिथक डिस्क्राइब किए, उनको हम किस तरह समझें। हमारी जो चुनौती है वो ये कि हम मिथ्स के सत्य की बात करें, मिथ्स की सच्चाई की बात करें, या मिथ एज ए ट्रूथ की बात करें। दोनों में फर्क है और ये हिस्टोरियन के लिए चुनौती होती है। कुछ महीने पहले मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका लगा था, तो वहां पे एक वक्ता ने ये कहा कि भी आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं वो बौखला जाते हैं मिथ्स को एज ए सोर्स हैंडल करने में। चूंकि मैंने 40 साल से ज्यादा इस विषय पर
काम किया, पढ़ाया, पढ़ा, तो मुझे लगा ये बड़ी अटपटी सी बात कर रहे हैं, ये इतिहासकार की तरह तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आज का इतिहासकार जो है वो मिथक से डरता है। मिथक को देखने का नजरिया फर्क हो सकता है, पर मिथक से डरता हो ये बात तो सही नहीं है। पूना के इस शहर में, पूना के शहर में जहां डीडी को सांभी रहे, ये बात तो कभी पछवी नहीं सकती। उनकी किताब मिथक और यथार्थ मेरे लिए तो एक हमेशा से आदर्श रही है कि मिथक को किस तरह से देखा जा सकता है। मिथक को समझने की का अपना अलग एक इतिहास है और वो आज से नहीं है। लगभग 200 साल से विद्वान अलग अलग एरिया से आकर, समाजशास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने मिथक को हैंडल किया है, मिथकों को हैंडल किया है, और हर एक प्राचीन समाज में इस किस्म के टेक्स्ट को हैंडल करने का अपना अपना टेक्निक बनाई गई। तो ऐसा नहीं है कि मिथक को समझने के लिए या उसको डिकोड करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता रहा है या उसको अक्षरशः एक्सेप्ट कर लिया हो। बहुत सारे नजरियों से मिथकों को देखा गया। किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल कल्पना की उड़ान है, तो किसी ने कहा कि ये तो एक ऊपरी जामा है, इट्स लाइक अ रैपिंग, या ये किसी कर्मकांडीय एक्ट का प्रदर्शन है, या एक विचारधारा का प्रतीक है, इत्यादि इत्यादि। अलग अलग तरीकों से लोगों ने मिथ्स को समझने की कोशिश की है। एक विद्वान रहे हैं मर्सिया एलियाडे, जो वैसे तो हंगेरियन ओरिजिन के थे पर ज्यादा समय उन्होंने शिकागो में बिताया, तो वो तो लगभग वही कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे सारे जीवन भर, जो कि हमारे ICHR के वर्तमान अध्यक्ष कह रहे हैं कि मिथ्स आर हिस्ट्री, यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट देम, अक्षरशः आप एक्सेप्ट कर लें। अब आप सोचिए, जिन 3-4 मिथकों का मैंने उल्लेख किया उनको आप अगर अक्षरशः एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक ही मिथक के जो अलग अलग वर्षन आपको मिल रहे हैं उनका क्या टीचेगा? क्या आप कुछ सवाल खड़े नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल एक इतिहासज्ञ के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम किस किस्म की नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, किस फॉर्म में कर रहे हैं। क्या हम मिथ्स को एविडेंस बना रहे हैं या उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं? आजकल कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कि लिटरेचर और हिस्ट्री का डिफरेंस खत्म करने में लगे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा। अभी 3 हफ्ते पुरानी बात है, मेरे एक सहयोगी जिनका बहुत नाम है अंतर्राष्ट्रीय इतिहास जगत में, संयोग से वो मेरे छात्र भी रहे हैं, शाहिद अमीन, उनकी एक किताब लॉन्च हुई
बड़े नामी लोगों ने लॉन्च की उसको किया, और वो डील करती है गाजी मियां से। टाइटल है कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी। लगभग 20 साल से वो काम कर रहे थे वो इस विषय पर, अब किताब आई है उनकी। और ये गाजी मियां कौन थे, बताया जाता है कि महमूद गजनवी, जो कि एक विलेन के रूप में देखा जाता है कुछ लोगों द्वारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी वादी तो उसे विलेन ही समझते हैं, पर शाहिद का ये प्रयास है कि किस प्रकार से इमेज जो है एक कम्युनिटी की वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो महमूद गजनवी जो एक आक्रामक के रूप में आया, विध्वंसकारी के रूप में आया, उसके भांजा, उसका भांजा सलार मसूद, वो किस तरह से गाजी बन गया और एक पूरी कल्ट डेवलप हो गई ईस्टर्न यूपी और बिहार में खास तौर से, और वो गई बंगाल तक। फिर कल्ट 400-500 साल में से वो चल रही है कल्ट गाजी मियां कि लोग उसकी दरगाह पे जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, किसी धर्म विशेष का गाजी का धर्म विशेष का वो हो ऐसी बात नहीं है। पर असली बात तो ये है कि ये तथाकथित महमूद गजनवी का भांजा कभी कोई था ही नहीं। लॉन्च के समय, किताब के लॉन्च के समय शाहिद से पूछा गया कि जब आपने अपना ये शोध शुरू किया तब आपको ये मालूम था कि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम था, पर फिर भी मैंने अपना इसे रिसर्च का अपना विषय बनाया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हिस्टोरियन का दायित्व यही है कि एक मिथ को अक्षरशः वैसे ही पेश कर दे? गाजी मियां की एक फॉलोइंग है एक इलाके में, इसको हम डिनाई नहीं करते, मान लेते हैं कि लोक संस्कृति का एक हिस्सा है वो, पर क्या केवल उसको डिस्क्राइब करने से ही इतिहासज्ञ का दायित्व समाप्त हो जाता है? ये मेरा प्रश्न है। क्या हम उसको इतिहास की रचना देंगे? मुझे दिक्कत होती है ये मानने में। इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि मेरी दृष्टि में इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि तर्क का विषय है, आस्था का विषय नहीं है। इतिहास लेखन में मेरी दृष्टि में आस्था का कोई स्थान नहीं है। अगर आस्था को लेकर हम चलेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो वो जो सवाल मैं उठा रहा था कि आफ्टर ऑल व्हाट फॉर्म ऑफ नॉलेज आर वी ट्राइंग टू क्रिएट एज हिस्टोरियंस? ट्रूथ ऑफ मिथ्स और मिथ्स एज ट्रूथ्स? शाहिद का काम दूसरी श्रेणी में आ जाता है, मिथ्स एज ट्रूथ्स। यू नो, आप जानते हैं कि ये काल्पनिक कैरेक्टर है, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फिगर।
Salarma Sood is just non-existent. He is like any other character which anybody can weave. Upanyaskar bhi create karte hain characters. To un sabko hum phir itihas ka vishay ek historical sense mein kar le. Isme mujhe याद आ रही है एक उक्ति जिनको कॉलिंगवुड की, जिनको मैं इतिहास के चिंतकों की श्रेणी में रखना चाहूंगा. आजकल की पीढ़ी के इतिहासकार तो कम ही पढ़ते हैं उन्हें. 1935 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, दी हिस्टोरिकल इमेजिनेशन, और उक्ति इस प्रकार से है, एज वर्क्स ऑफ द इमेजिनेशन The historian's work and the novelist's work do not differ. Where they do differ is that the historian's picture is meant to be true. तो इतिहासकार जो क्रिएट कर रहा है, क्या वो इस पथ से भ्रष्ट हो रहा है? केवल वो कल्पना की उड़ान में ही घूम रहा है. तो जो लोग मिथ को मात्र कल्पना समझते थे, आज आप उस कल्पना को सत्य बताने में लगे हुए हैं, मिथ्स एज ट्रुथ्स बताने में लगे हुए हैं, तो वो क्या इतिहास है? मेरे लिए ये पहचाना जरा मुश्किल होता है. अगर मिथक का कोई यूज मैं समझता हूं एक इतिहासज्ञ के नाते, तो वो ये है कि हमें ट्रूथ ऑफ मिथ्स को डिसाइफर करना है, डीकोड करना है. और किस तरह करना है, उसका अपना एक मैकेनिज्म है. इतिहासज्ञ का एक सिस्टम होता है काम करने का, एक प्रणाली होती है काम करने की. मैं आपकी व्याख्या से सहमत हूं, यह जरूरी नहीं है, पर व्याख्या हो ही नहीं तो मेरी जरूरत काय को पड़े. आप ऋग्वेद पढ़ लीजिए, आप महाभारत पढ़ लीजिए. अगर वही आपको लगता है वही सब सही है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना. जैसे शायद बाल गंगाधर कह रहे हैं, हिस्ट्री इज ए फेटिश, बट नो, हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन, एक शास्त्र है, उसकी अपनी परिपाटी है, उसके तहत चलने की अपेक्षा की जाती है. और उस परिपाटी का महत्वपूर्ण अंग यही है कि हम वो सवालात उठाएं, कब, क्यों, कहां, कैसे. जब तक हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, तब तक तो हम इतिहासज्ञ का दायित्व नहीं निभा रहे हैं. अगर सलार मसूद कोई काल्पनिक कैरेक्टर है और वो इस स्तर तक पहुंच जाता है कि जनता के बीच में उसकी ये कल्ट बन जाती है, तो इतिहासज्ञ से यह अपेक्षा की जाती है कि वो बताए कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ. और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, आप केवल वर्णनात्मक रूप में ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस दे देते हैं कि इस साल ये मेला लगता है, इसमें ये होता है, ये रंग है, वो रंग, झंडे का रंग ये है, ये इतिहासकार का तो दायित्व तो नहीं है. आपको ये बताना पड़ेगा कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों गाजी मियां केवल ईस्टर्न यूपी और बिहार तक सीमित रह गए, वो दक्षिण में क्यों नहीं वो कल्ट फैली. क्या ये सवाल आज जरूरी नहीं है? और वो उस पर्टिकुलर पीरियड में क्यों हुए, क्या ये पूछना जरूरी नहीं है?
उनको महमूद गजनवी से क्यों जोड़ा गया, क्या यह पूछना जरूरी नहीं है? पर आप ये सवाल पूछे बिना डिस्क्राइब कर देंगे, देन यू आर टेकिंग मिथ्स एज ट्रूथ्स, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द टास्क ऑफ ए हिस्टोरियन, जो कि मैं कह रहा हूं ट्रूथ ऑफ मिथ्स। और इसके लिए जरूरी है कि जिन टेक्स्ट को हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में एक क्रिटिकल रवैया अपनाएं। कोई भी चीज हो सकती, हमको तो सबसे पहला पाठ ही यही पढ़ाया गया था जब हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया, क्या फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, यू हैव टू मेक देम स्पीक, नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट, हर चीज के लिए आप सवाल खड़े कीजिए। जब तक आप इस दृष्टिकोण से अपने टेक्स्ट को हैंडल नहीं करेंगे, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, बात केवल आज के इतिहासज्ञों को खेमे में बांटने की नहीं है, बात यह जानने की है कि जिस भी पीढ़ी का जो भी लेखक है उसका उसकी भी तो अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसको भी तो समझने की जरूरत होती है। और वो हम कैसे समझेंगे जब तक कि हम खुद सवालात खड़े नहीं कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं ऋग्वेद को एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना मानता हूं, महाभारत रामायण दोनों बेहद महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं, आफ्टर ऑल महाकाव्य का स्टेटस एक्वायर करना कोई छोटी बात नहीं है किसी भी ग्रंथ के लिए, और इतने सैकड़ों साल से चल रही है, अलग अलग रूपों में चल रही है। पर जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं इतिहास लेखन में, तब हमको इतिहासज्ञ की जो परिपाटी है उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। मैं उनमें से भी नहीं हूं जो कि ये कहते हैं कि चाहे ऋग्वेद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, इनको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। हैं हमारे एक साथी ऐसे जिन्होंने यही कहा, बड़े नामी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, विदेशों में भी खूब नाम है उनका, लगभग सारा जीवन उन्होंने कैम्ब्रिज में बैठ के आर्कियोलॉजी की है हिंदुस्तान की। '97 में किताब लिखी कॉलोनियल इंडोलॉजी, और सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया अपना इन साहित्यिक ग्रंथों पर। उनके हिसाब से तो इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनके हिसाब से इनमें बहुत सारी प्रेजुडिसेस हैं, ये बहुत क्षेत्रीय रचनाएं हैं, इनका कालक्रम निश्चित नहीं है, इत्यादि इत्यादि। उनका बस चले तो भारत का सारा इतिहास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए। मेरे मन में दिमाग आया कि भाई चाहे हड़प्पा हो, चाहे बनवाली हो, चाहे राखीगढ़ी हो, जगह जगह से स्केलेटन्स मिल रहे हैं। अब स्केलेटन तो कोई बोलने जा नहीं रहा, एंड फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये हमें पढ़ाया गया है बीए में पहली फर्स्ट ईयर में ही। तो भाई हमको कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण का है, कि ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, कौन बताएगा हमें?
या हम ये कह दें कि न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे। तो ये जो अप्रोच है साहित्यिक रचनाओं के प्रति किसी भी श्रेणी की, ये आर्कियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म से और ज्यादा और कुछ नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप भारत के इतिहास की संरचना जो है वो मात्र आर्कियोलॉजी के थ्रू कर दें? और अगर वो ये कहते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्यिक रचनाएं बहुत निश्चित नहीं है, तो भाई कालक्रम के विवाद तो आर्कियोलॉजी में भी चलते रहते हैं। आज तक तो कोई ये निश्चित तौर पर कह नहीं पाया कि भाई आयरन एज जो है वो कौन से पर्टिकुलर सेंचुरी से शुरू होती है। असेसमेंट जो है वो वेरी करते रहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों सालों में वेरी करते रहते हैं। किसी जमाने में कार्बन डेटिंग की इजाद करने वाले को नोबेल प्राइज मिल गया, पर कार्बन डेटिंग की अपनी कितनी खामियां हैं, और लोग समय समय पर कार्बन डेटिंग की कैलिब्रेशन करते रहे। आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स जो होती हैं वो भी पैन इंडिया कल्चर्स नहीं होती हैं, कोई किसी इलाके में है, कोई किसी इलाके में है, वहां भी रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज हैं। तो ये कहना कि पूरे भारत का प्राचीन इतिहास जो है वो आप मात्र आर्कियोलॉजी के थ्रू कर लें, जिन प्रेजुडिसेस की वो बात कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट में इतनी गहरी पैठ से बैठी हुई हैं कि उनके लिए मिडिवल पीरियड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनकी तो सारा उत्साह जो है वो पता चलता है कि हड़प्पा काल तक आते आते समाप्त हो गया। वो तो हिस्टोरिक पीरियड में भी नहीं जाते, उसकी भी आर्कियोलॉजी नहीं करते, मिडिवल की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये किस किस्म का आर्कियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म हमारे सामने पेश किया गया है, इस पर हमको विचार कर लेना चाहिए। जिन टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था, साहित्यिक रचनाओं की मैं जो बात कर रहा था, चाहे वो हमारे महाकाव्य हो, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो, चाहे तमिल का साहित्य हो, ये जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि कौन सा साहित्य कब और कहां रचा गया, किसने रचा। इसका उत्तर बहुत आसानी से हमको नहीं मिलता है। क्लासिकल संस्कृत में आ जाएं तो मिल जाती हैं इंडिविजुअल्स की रचनाएं, पर वैदिक साहित्य को किसी एक इंडिविजुअल के सिर मढ़ना तो संभव ही नहीं है। ऑथरशिप की बात अगर छोड़ भी दें, पर कम से कम काल के बारे में, स्थान के बारे में हमको सोच लेना आवश्यक लगता है। और ये भी क्या कहते हैं, इतिहासकार का एक मेजर डिसिप्लिन का पार्ट है कि टेम्पोरल और स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट कभी भी भूलना नहीं है। अगर हम अपने टेक्स्ट को टेम्पोररली एंड स्पेशली लोकेट नहीं कर रहे हैं, यदि उसका काल स्थापित नहीं कर रहे हैं और स्थान स्थापित नहीं कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट का यूटिलाइजेशन थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। मैं अगर मोटा सा उदाहरण दूं तो वैदिक टेक्स्ट जो हैं उसमें ऋग्वेद सबसे पुरानी रचना है, इस बारे में किसी को कोई शंका नहीं है। ऋग्वेद की तिथि पर विवाद हो सकता है, पर ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद से पहले का है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं करता है। ऋग्वेद के अंदर टेक्स्ट में जिस किस्म का भूगोल देखने को मिलता है, जिस किस्म के जनता के जीवन का चित्र उभर कर आता है, जहां पशुचारण समाज ज्यादा
प्रोमिनेंट नजर आता है। वो पिक्चर जो परवर्तीकालीन वैदिक साहित्य है, उपनिषद है मान लीजिए, उनसे बहुत अलग है। जो परवर्ती वैदिक साहित्य है वो गंगा की घाटी का साहित्य है, ऋग्वेद जो है वो थोड़ा और पश्चिम का है, अफगानिस्तान तक चला जाता है, अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर, कुछ हिस्सा राजस्थान का, गुजरात उसमें नहीं आता है, कोई जिक्र नहीं है उसमें गुजरात का किसी भी तरीके से। तो ये जिस किस्म का एक आकलन है, इसको ध्यान में रखे बिना हम सही तरीके से इतिहास का गठन नहीं कर पाएंगे। और यही बात और टेक्स्ट के बारे में भी हमेशा दृष्टिगत रखनी चाहिए। हम यहां पूना शहर में हैं, हम कैसे भूल जाएं कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, अभूतपूर्व काम है, लगभग 33 साल तक उस पे काम किया गया, 19 खंडों में उसको तैयार किया गया, सैकड़ों पांडुलिपियां एकत्र करके वो एडिशन तैयार किया गया। महाभारत की कितनी पांडुलिपियां हैं इसका पूरा आकलन हमारे पास नहीं है, पर जितनी भी सूचनाएं हमको इस क्रिटिकल एडिशन में पढ़ने को मिलती हैं, उससे ये पता चलता है कि महाभारत के एक पर्व आदि पर्व को क्रिटिकली तैयार करने के लिए 235 पांडुलिपियों का इस्तेमाल किया गया और करीब 10 अलग अलग किस्म की लिपियों में, स्क्रिप्ट्स में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी। इसी तरह से और पर्वों की भी बात बिल्कुल मुमकिन है। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि सैकड़ों मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करके फिर ये क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया है, तो कोई अतिशयोक्ति न। और इसके लिए हम हमेशा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऋणी रहेंगे। एक और बात इस संदर्भ में कह देनी उचित रहेगी कि जिस प्रकार से भंडारकर इंस्टीट्यूट ने काम किया वो निपट साहित्यिक दृष्टिकोण था और उन्होंने हमारे सामने एक टेक्स्ट लाके रख दी। आमतौर पे हम लोगों की मान्यता होती है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस में भी इस किस्म का जिक्र आता है, शत सहस्री सम्मिता, जिसमें 100,000 श्लोक हैं। पर वास्तव में जब क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया तो वो संख्या टैली नहीं करी, कम रही। जगह जगह उन्होंने पाद टिप्पणियों में जिक्र किया है कि हमने ये चीज छोड़ दी है, ये चीज छोड़ दी है। इतिहासकार का जहां दृष्टिकोण बनता है वो ये कि वो इस क्रिटिकल एडिशन का किस तरह से इस्तेमाल करेगा। और हम अपने छात्रों को ये बताते हैं कि जो चीज उन्होंने छोड़ दी है उस पर भी आप नजर जरूर रखें, क्यों छोड़ी है, इसको भूले नहीं। यूं तो महाभारत का जो आंतरिक साक्ष्य है वही आपने तो आपको बताता है कि इसमें कम से कम 3 चरण रहे होंगे उस टेक्स्ट को इवॉल्व करने में। जय भारत महाभारत 8,000, 24,000 और 1,00,000, ये 3 चरण भर कर आते हैं। पर हमको
इस इन्वेस्टिगेशन के और पहलू पर नजर डालनी होगी, खासतौर से तब जब हम इस किस्म के साहित्य को इतिहास लेखन का एक सूत्र बनाकर चलते हैं। इसी शहर में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के अलावा डेक्कन कॉलेज भी है, जहां पे निपट आर्कियोलॉजी की रिसर्च होती है। इट्स परहैप्स द बिगेस्ट एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट ऑन आर्कियोलॉजी इन इंडिया, अ वेरी ओल्ड वन। यहीं से एक शोध प्रबंध निकला, आर्कियोलॉजी ऑफ महाभारत। तो उन्होंने क्या, ये गौरी लाट का काम है ये, उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान के जो विभिन्न इलाकों से आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स निकले हैं और जनता से संबंधित जो आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, लोगों की वेशभूषा, उनके आभूषण, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, उसके जो प्रमाण हैं, आयरन एरो हेड्स, ग्लास, बीड्स, कॉइन्स एटसेट्रा, उन सब को ध्यान में रखकर आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महाभारत के चार फेज गिनाए, स्टार्टिंग विद रफली स्पीकिंग 500 बीसी ऑनवर्ड्स। मजे की बात यह है कि ये जो मोर रीसेंट असेसमेंट है, ये मैच कर गया उन असेसमेंट से जो 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी स्कॉलर्स ने महाभारत का पीरियडाइजेशन किया था, कि महाभारत एज ए टेक्स्ट, माइंड यू आई एम टॉकिंग अबाउट महाभारत एज ए टेक्स्ट, एक पार्ट के रूप में, नॉट एज एन इवेंट, क्योंकि इवेंट को टेक्स्ट बदलने में बहुत फर्क है, टेक्स्ट के रूप में बदलने में बहुत फर्क है। तो महाभारत एज ए टेक्स्ट जो है वो लगभग 700-800 साल तक इवॉल्व करती रही, शायद कुछ पोर्शन जो है उसके और बात के भी हो सकते हैं। और ये बात रामायण के लिए भी लागू होती है, तमिल साहित्य के लिए भी लागू होती है, चाहे वो संगम काल का साहित्य हो, कि लिटररी टेक्स्ट के लेयर्स आइडेंटिफाई करना, उनको लोकेट करना और फिर उससे इन्फ्लुएंस निकालना, ये हिस्टोरियन का दायित्व होता है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में और एम्प्लीफाई करूं, तो मैं उदाहरण दूंगा एक काम जो हाल में किया गया है कालिका पुराण को लेकर, कि कालिका पुराण में नरकासुर का जो मिथक है उसको समझने की कोशिश की गई है। और ये नरकासुर का जो कथानक है वो केवल कालिका पुराण में नहीं है, रामायण में भी है और अन्य पुराणों में भी है। तो उसके अलग अलग वर्शंस को असेस करके, हमारे एक मित्र हैं बीडी चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें यह नहीं बताना है कि नरकासुर कोई हिस्टोरिकल फिगर था कि नहीं था, वो मिथिकल फिगर था, पर उसका जो मिथक है खासतौर से आसाम के इतिहास के संदर्भ में, वो हमको ये दर्शाता है कि कालिका पुराण में जो वर्णन है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि किस प्रकार विभिन्न सेक्टेरियन ग्रुप्स ने कामाख्या के मंदिर पर कब्जा हासिल करने के लिए इस लेजेंड को डेवलप किया नरकासुर के, और किस तरह से ब्राह्मणवादी समाज को वहां पर इस्टैब्लिश करने में इस लेजेंड का उपयोग किया गया। ये हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव है, ये साहित्यकार का पर्सपेक्टिव नहीं है। साहित्यकार शायद इससे ही संतुष्ट हो जाता कि भाई नरकासुर की कथानक को रोचक ढंग से पेश कर दे,
पर हिस्टोरियन का दायित्व तो कुछ और होता है। मैं अंत में दो उक्तियों का सहारा लेना चाहूंगा जो शायद मेरी बात को समप करने की कोशिश करे, क्योंकि बात साहित्य और मिथक और इतिहास की हो रही है। तो एक और जहां मैंने कॉलिंगवुड की बात करी एक इतिहासज्ञ की, वहां मैं दूसरी तरफ दो साहित्यकारों की बात करता हूं। अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम रखते हैं और ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने केवल उपन्यास ही नहीं लिखे, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। एक तरफ उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर एक उपन्यास लिखा मानस का हंस, दूसरी तरफ उन्होंने भक्ति संत सूरदास की जीवनी को लेके एक उपन्यास लिखा खंजन नयन। पर इसके साथ साथ गदर के फूल, जो कि 1857 की क्रांति से ताल्लुक रखती है, पीढ़ियां जिसमें उन्होंने 1905 के स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1986 के आतंकवाद तक का जिक्र किया, और एक उपन्यास करवट जिसमें 1854 से 1905 तक के राष्ट्रवादी घटनाओं का उल्लेख किया। तो उन्होंने एक जगह अपनी प्रस्तावना में कहा कि इतिहास में तारीखों के अलावा और सब कुछ गलत होता है और उपन्यास में तारीखों के अलावा और सब कुछ सच। दूसरी ओर मेरे एक पड़ोसी हैं, हमारा लगभग 35 साल का साथ हो चुका है उनका, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, विचारधारा में हम दोनों दो अलग पोल्स के हैं। आप समझ जाएंगे क्यों जब मैं नाम लूंगा, नरेंद्र कोहली, जिन्होंने राम कथा और महाभारत पर दो विशद उपन्यास लिखे, महासमर महाभारत पर आधारित है और राम कथा को लेकर अनेक अनेक खंडों में। उन्होंने अभी हाल में, अभी उनकी 75वीं जयंती मनाई गई थी, तो कुछ नई रचनाएं उनके सामने लाएगी, जिनमें से एक थी उनके साक्षात्कार, उनके इंटरव्यूज। तो मैं पढ़ रहा था, उनमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, पुराणों में उन्हें समाचार पत्र और समाचार पत्रों में इतिहास पुराण नजर आते हैं, पुराणों में उन्हें समाचार पत्र और समाचार पत्रों में इतिहास पुराण नजर आते हैं। इसकी क्या ध्वनि निकल रही है? वो समझते हैं जितनी समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं या जिस किस्म का वैशीपन चल रहा है, वो अक्षरशः वही है जो पुराणों में राक्षसों के माथे थोप दिया जाता है। तो उनको उसमें सब राक्षस नजर आते हैं। मेरे दिमाग में जो सवाल उठता है वो ये, एक इतिहासकार की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, इतिहासज्ञ की दृष्टि की बात कर रहा हूं, और ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऋग्वेद में जहां एक तरफ इंद्र हैं, दूसरी तरफ वरुण है, और वरुण को बताया गया है असुर। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ऋग्वेद का असुर
वो नहीं है जो पुराणों के असुर और देवते हैं, जिसको आज हम राक्षस या डेमन कहते हैं, वो ऋग्वेद का सेंस नहीं है। शब्द किस तरह बदलते हैं, शब्दों का अर्थ किस तरह बदलता है, इसको समझने के लिए इतिहासकार की दृष्टि जरूरी है, उसका दृष्टिकोण जरूरी है। वरुण की हैसियत बहुत ऊंची है ऋग्वेद में, और वहां असुर शब्द दैत्य नहीं है, बल्कि असुर का शाब्दिक अर्थ शक्ति है। फिर मैं पुणे स्थित एक महान विद्वान का नाम लेना चाहूंगा, और मेरी दृष्टि से शायद वैदिक साहित्य में उनसे बड़ा विद्वान हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, आर्यन दांडेकर। वो भी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से आजीवन संबद्ध रहे। उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा था वरुण के बारे में, और वो तो इस हद तक बढ़ गए कि वो ऋग्वेद में इंद्र और वरुण का संघर्ष देखते हैं। मैं वो विषय नहीं अभी लेना चाहूंगा, पर वरुण को जो एक किस्म से असुर पार एक्सलेंस कहा गया कि असुरों में भी श्रेष्ठ, उस पर बल देना चाहूंगा। आप पूरा ऋग्वेद छान लीजिए, आपको सूर्य शब्द नहीं मिलेगा। सूर्य जिसे आज हम देवता समझते हैं, शाब्दिक अर्थ जिसका देवता समझते हैं, वो शब्द आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। देव के लिए और शब्द हैं, सूर नहीं है। सूर बना तब जब पुराणों में असुर का अर्थ बदल दिया गया, जब पुराणों में असुर को दैत्य कहा गया, तब उन्हें जरूरत पड़ी उसका काउंटर पार्ट ढूंढने के लिए, तो देवता के लिए शब्द सूर बना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शाब्दिक ट्रांसफॉर्मेशन जो रूपांतरण जो है, मीनिंग जिस उसका मीनिंग का जो रूपांतरण है, वो इतिहासकार की दृष्टि का रिजल्ट है, वो साहित्यकार की दृष्टि का रिजल्ट नहीं है। साहित्यकार उसी तरह से फंस जाता है जैसे नरेंद्र कोहली फंस गए। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई सुर का अपना एक इतिहास है, असुर का अपना एक अलग इतिहास है, उनके अर्थ बदल रहे हैं। अगर राक्षस हैं तो वो राक्षस किस किस्म के हैं। हम ये भी जानते हैं कि रावण भी राक्षस कहलाता है, पर किस अर्थ में। कुछ साल पहले मैं अमृतसर गया था, शायद 2000 की बात है, दीवारों पर, गोल्डन टेंपल से बहुत दूर नहीं, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में स्लोगन लिखे हुए थे, वाल्मीकि पावन तीर्थ पर जान न्योछावर रावण पर। क्या रावण सबके लिए राक्षस ही है? मुझे फिर याद आ रहा है कि 1980 के दशक में जब रामानंद सागर की रामायण सीरियलाइज की गई टीवी पर, तो दक्षिण से किस किस्म का विरोध शुरू हुआ। उनके लिए रावण वो नहीं है जो वाल्मीकि की रामायण में रावण है। तमिल साहित्य में अनेकों ऐसी रचनाएं हुई रामकथा को लेकर जहां संबंध बिल्कुल उल्टे हैं।
और संस्कृत में भी क्या कहते हैं ऐसी रचनाएं हैं जहां रावण की बहुत सी खूबियों का जिक्र किया गया है। तो रावण क्या राक्षस हर दृष्टि से, अगर वो राक्षस है भी तो वो महापंडित भी, तो वो इमेज क्यों नहीं। ये सब हमको इतिहासकार की दृष्टि से तब मिलता है जब इतिहासकार अपना बेसिक दायित्व निभाता है। नॉट लाइक शाहिद मीन व्हेन यू आर नॉट रेजिंग द क्वेश्चंस, और जब आप व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या सब्जेक्टिव हो सकती है, ये मुमकिन है कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन से सहमत ना हो, आपका वैकल्पिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मोस्ट वेलकम, कम ऑन, पर एक्सप्लेनेशन तो दीजिए, व्याख्या तो कीजिए, कब क्यों कहां कैसे इसके जवाब तो दीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इतिहासकार का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मिथक साहित्य इतिहास, ये जो इनका अंतर संबंध है वो बहुत जटिल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मिथक जो है वो पूरी कल्पना है, हो सकता है उसमें समाज के कुछ तत्व हों, कुछ प्रतीकों के रूप में पेश किए गए हों, पर उसको डिकोड करना है। और ना मैं ये कह रहा हूं कि उनको आप अक्षरशः स्वीकार कर लें एज दी हिस्ट्री, जैसे ICTR के चेयरमैन कह रहे हैं या बाल गंगाधर कह रहे हैं कि फिर हिस्ट्री की जरूरत ही क्या है, आपके पास है ना रामायण महाभारत, तो आपको हिंदुस्तान की आजादी के बारे में भी बता देंगे, आपको तो अकबर के बारे में भी बता देंगे, पर क्या ये हमारे लिए जान लेना जरूरी नहीं है कि महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर ने क्यों कराया। तो रजनामा जो है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या। मैं इस विषय में जा ही नहीं रहा हूं कि रामायण के कितने सौ वर्षन हैं, महाभारत के कितने सौ वर्षन हैं, और किस तरह से लोक संस्कृति में वो समाई हुई है। पर अगर लोक संस्कृति के भी धरातल पे जा रहे हैं तो भी हमको ये जानने की जरूरत है कि अगर छत्तीसगढ़ में पुनर्राम महाभारत का वाचन करते हैं या तीजनबाई महाभारत का वाचन करती हैं तो उनके लिए भीम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए अर्जुन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानना जरूरी है। क्या करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये जानना जरूरी हो जाता है। तो इस अंतर संबंध की जटिलताओं को समझते हुए मैं अंत बस इसी बात से करना चाहूंगा जिसका संकेत मैंने पहले भी दिया कि मेरे लिए इतिहास तर्क का विषय है, आस्था का नहीं है। और इसके साथ मैं नीरज जी और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपसे इस विषय पर रूबरू हो सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।